इंडिया मतलब किससे कम नहीं है इंडिया, बट एक बड़ी टूर्नामेंट जीते अरसा हो गया है, विच मींस कि सेमीफाइनल हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है, इस बैरियर को तोड़ने का मौका है। कि रोहित शर्मा ने आज ये बोला कि हमने दोनों को तैयार करके रखा है और ऋषभ को हमने लास्ट गेम इसलिए खिलाई थी क्योंकि कोई मैच नहीं खेले। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में किसी को इसलिए खिलाया जाता है कि जिससे पहले वो कोई मैच नहीं खेले। आई थिंक देर मस्ट बी सम पर्पस ऋषभ पंत को खिलाने के लिए। क्रिकेट में आपको रन बनाने हैं, विकेट लेनी है, और इंग्लैंड के स्ट्रोक प्लेयर्स हैं जी। व्हाट हैज हैपेंड टू देम इज कि उन्होंने इन कंडीशंस में आके शॉटें खेली और आउट होते रहे, इसलिए वो अपने रंग में दिखे नहीं है, और जिस दिन वो रंग में आ गए फिर इंग्लैंड को आप पकड़ नहीं पाओगे। विराट कोहली कहते हैं ना कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मुझे लगता है मैं आउट ही नहीं हो सकता। आई थिंक सूर्य के पास भी वही एबिलिटी है। आज हम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में बात करने जा रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता जी के साथ। मोनिका जी थैंक यू वेरी मच, इतना आपने अरे तीन तीन जगह का मुझे मैनेजिंग एडिटर बना दिया है और बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं ये। तो आज हम आपसे जानेंगे, कल सेमीफाइनल है इंडिया और इंग्लैंड का एडिलेड ओवल में, आपका क्या ख्याल है, क्या होगा कल? दिल तो मेरा कहता है इंडिया जीते, दिमाग कहता है कि टफ गेम है, जैसे दिमाग कहता था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की भी टफ गेम है, बट जो फिलहाल लग रहा है आई थिंक वो द डेट मैटर्स वाली बात आ जाती है। तो इंडिया मतलब किससे कम नहीं है इंडिया, बट एक बड़ी टूर्नामेंट जीते अरसा हो गया है, विच मींस कि सेमीफाइनल हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है, इस बैरियर को तोड़ने का मौका है। एट द सेम टाइम इंग्लैंड वो टीम है जिसने मेरे हिसाब से T20 को रीडिफाइन किया। आई थिंक T20 सबसे अच्छा वो खेलते हैं, बट टूर्नामेंट वो भी नहीं जीते। सो उस लिहाज से दोनों टीमें डेस्परेट हैं, दोनों टीमों में कमजोरियां हैं, और दोनों ही टीमों के कप्तानों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब पता नहीं किस कप्तान का लगता है कि टफ फाइट है। और भारत की सेमीफाइनल प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है बदलाव, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से कौन खेलेगा सेमीफाइनल? मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, हालांकि रोहित शर्मा ने आज ये बोला कि हमने दोनों को तैयार करके रखा है और ऋषभ को हमने लास्ट गेम इसलिए खिलाई थी क्योंकि कोई मैच नहीं खेले। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में किसी को इसलिए खिलाया जाता है कि जिससे पहले वो कोई मैच नहीं खेले। आई थिंक देर मस्ट बी सम पर्पस ऋषभ पंत को खिलाने के लिए। एक तो शायद इनको दिनेश कार्तिक का फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो दे हैड टू गो टू प्लान बी। सेकेंडली मुझे लगता है कि जिस तरह लेफ्ट हैंडेड ऋषभ पंत और यहाँ पे छोटा बाउंड्री है, हो सकता है दे मस्ट बी थिंकिंग कि लंबी हिट मारने के लिए, आई डोंट नो, मतलब दिनेश कार्तिक की तरफ क्या ये दोबारा से जाएंगे नहीं जाएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर दिनेश कार्तिक को सेमीफाइनल खिलाना था तो उनको भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था जी पिछले मैच में। बिल्कुल। और भारत के गेंदबाजों को इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजी क्रम से निपटने के लिए कौन सी रणनीति तैयार करनी होगी? वन बॉल एट अ टाइम, वन विकेट एट अ टाइम। और क्रिकेट वैसे तो बड़ी, मैंने पहले भी कहा, सिंपल गेम है। क्रिकेट में आपको रन बनाने हैं, विकेट लेनी है, और इंग्लैंड के स्ट्रोक प्लेयर्स हैं जी। व्हाट हैज हैपेंड टू देम इज कि उन्होंने इन कंडीशंस में आके शॉटें खेली और आउट होते रहे, इसलिए वो अपने रंग में दिखे नहीं है, और जिस दिन वो रंग में आ गए फिर इंग्लैंड को आप पकड़ नहीं पाओगे। अगर आपको शुरू में दो तीन विकेटें मिल जाएं, आपके फास्ट बॉलर्स आके ऊपर से प्रेशर बना दें, फिर आप इंग्लैंड को रोक सकते हैं जी। तो आपको विकेटें चाहिए, विकेटें चाहिए जी। तो कप्तान के बल्ले की खामोशी और बल्लेबाजी में तूफान से पहले की खामोशी, मैं तो ये कहूंगा तूफान से पहले की खामोशी। देखिए इंजरी का भी डर आ रहा था थोड़ा, वो बच गए लकी ओमन, उसके बाद वैसे बाय द वे उन्होंने नेट में बैटिंग की थी ना इंजरी के बाद, खड़का के खेले। मैंने इस दौरे में उनको सबसे अच्छी बैटिंग करते उसके बाद अच्छा। देखा है, हो सकता है वो हाथ हिल गया हो, हाथ में जादू वापस आ गया हो। नहीं, रोहित और बटलर के भी रन नहीं है, उनके कप्तान के रन भी नहीं। सो एंड बटलर इज एज डेंजरस अ प्लेयर एज रोहित शर्मा इज, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तो आप जैसे विक्रांत जी कह रहे हैं कि कौन से कप्तान का गल देन आता है ये देखना पड़ेगा, हमारे का आएगा। और आपको क्या लगता है कि सूर्य कब तक अकेले संभालेंगे भारत की बल्लेबाजी? देखिए सूर्य के साथ विराट ने भी रन बनाए हैं, कभी केएल राहुल ने बनाए हैं, कभी हार्दिक ने बनाए हैं, बट सूर्य आपके पिवट है। इंग्लैंड के उन्होंने खिलाफ एक बड़ा शानदार 100 बनाया था इंग्लैंड में जी, वो 100 देखकर लोगों ने कहा था यार इस तरह की बैटिंग, और उस दिन लोगों ने कहा यार इस तरह का बैट्समैन ही नहीं है जी। सो एंड ही इज कॉन्फिडेंट। कभी कभी हमें डर लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि वो फेल हो जाएंगे बड़े दिन, बट जो बड़ा प्लेयर होता है वो फेल होने के लिए नहीं जाता। विराट कोहली कहते हैं ना कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मुझे लगता है मैं आउट ही नहीं हो सकता। आई थिंक सूर्य के पास भी वही एबिलिटी है, एंड टचवुड फिंगर्स क्रॉस एक और गेम वो चले फिर उसके बाद देखी जाएगी जी। और बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मेलबर्न में। सो क्या लगता है हमें फिर ये रोमांचक पारी देखने को मिल सकती है, क्या इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है? पता नहीं, देखिए मैं अगेन बहुत आगे नहीं जाऊंगा,
आई वुड से कि पहले इंडिया अपना मैच जीते क्योंकि आप वन स्टेप एट अ टाइम। एंड क्या भारत दोहरा सकता है 2007 का 100% इतिहास 100%। 40 ओवर की गेम आप हार गए तो आप घर वापस गए, सेमीफाइनल याद नहीं रखा जाएगा। आई थिंक प्लेयर्स को भी पता है कि सेमीफाइनल याद नहीं रखा जाता, वो फेलियर गिना जाता है। और दो मैच की बात है, आप अच्छा खेल रहे हैं, किस्मत भी आपके साथ, आपने टाइट गेम्स भी जी, दो मैच की बात है, बस एक एक मैच निकालना है। तो आप इतने बड़े क्रिकेट विशेषज्ञ हैं अपने आप में, आप मैं देखती हूँ कि जहाँ आप जाते हैं तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके साथ अपनी पिक्चर्स करवाना चाहते हैं। सो आपके हिसाब से आपका फेवरेट प्लेयर इस सीजन में कौन रहा? सूर्य कुमार यादव विदाउट अ डाउट, अर्शदीप सिंह विदाउट अ डाउट। इन दोनों ने क्या क्रिकेट खेली है, आई होप वो पैशन के साथ दोबारा आपको एडिलेड ओवल में वो दिखे। और आखिरी सवाल, आप ऑस्ट्रेलिया के वेदर के बारे में बहुत कंसर्न रहे हैं, मैंने पिछले में आपकी वीडियोस देखी हैं, आप बादलों को देख के आप कहते हैं कभी सर्दी तो कभी गर्मी, तो एक हफ्ते पहले हम सारे कैप्स में थे, वुलन कैप्स में, और आज हम गर्मी के मौसम में खड़े हैं, क्या ख्याल है आपके ऑस्ट्रेलिया के वेदर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो पहली बार नहीं आया हूँ, बट ये है कि अक्टूबर में पहली बार आया था, सो आई होप कि अब मैच डे पे बरसात ना हो, मैच में बरसात नहीं होनी चाहिए, बस इतना है थोड़ा सा। और क्रिकेट फैंस के लिए आपका मैसेज? एंजॉय द गेम एंड बैक योर टीम, हौसला अफजाई कीजिए अपनी टीम। थैंक यू विक्रांत जी, समन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।